नमस्कार विद्यार्थियों, क्लास प्लस टू एक्सरसाइज 1.3 प्रश्न संख्या 6 देखिए। सो दैट ये फंक्शन दिया हुआ है, ये इसकी डोमेन होगी, रियल नंबर इसका रेंज होगा, फंक्शन ये दिया हुआ है इज 1 1, ये 1 1 है। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन, इसका इनवर्स निकालना है और बाद में हमें क्या करना है, जिसकी इनवर्स है ना उसकी रेंज होगी हमारी, सॉरी फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन, फंक्शन का इनवर्स निकालना है जिसमें फंक्शन यही दिया हुआ है -1 से 1 और रेंज ऑफ f, ये सारा हिंट दिया है। तो देखिए हम कैसे करेंगे विद्यार्थियों, ऐसे करते हैं, जैसे फंक्शन ये दिया हुआ है और इसके अंदर ये आपकी डोमेन आ जाएगी, डोमेन ऑफ फंक्शन, यानी ये -2 पे डिफाइन नहीं होगा, तो रियल नंबर में से -2 को हमने माइनस किया। टू फाइंड रेंज ऑफ एफ, रेंज निकालने के लिए इसके इक्वल टू हम एफ एक्स रखते हैं, एफ एक्स ये दिया हुआ था, क्रॉस मल्टीप्लाई की ये आ जाएगा, यहाँ से हमने इसको इधर करके एक्स कॉमन ले लिया, ये आ गया, फिर यहाँ से माइनस बार लिया तो ये वाई -1 होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स इक्वल टू ये आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, फोर रियल एक्स, यानी एक्स अब वो रियल आएगा जब वाई एक नहीं होगा, यानी वाई इक्वल टू एक पे नॉट डिफाइन है, तो ये इसकी रेंज आ गई, रेंज ऑफ एफ एक्स होगी, रियल नंबर में से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे विद्यार्थियों। इसके बाद 1 1 चेक करना था, हमने दो एलिमेंट लिया इसकी डोमेन में से, मैपिंग लगाई, क्रॉस मल्टीप्लाई की, यहाँ पे x1 x2 कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 से 2 भी कैंसिल, ये आ जाएगा। ये आने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इनका मैपिंग लगाने पे रिजल्ट सेम आ गया फॉर ऑल x1 x2, तो ये हमारा 1 1 होता है, यानी इस कंडीशन के अंदर ये हमारा 1 1 होता था। अब हमें इसका इनवर्स निकालना है, इनवर्स निकालना है तो हमने y मान लिया x में से, y इक्वल टू ये कन्वर्ट किया, यानी जो सेम काम हमने यहाँ किया था ना ये करेंगे विद्यार्थियों। तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया, x इक्वल टू 2y/(1 - y), ये आपका इन्वर्स होगा, y में आए तो एफ इन्वर्स y इक्वल टू ये लिख देंगे। अगले स्टेप में हम x की जगह y की जगह x कन्वर्ट कर देंगे, एफ इन्वर्स y था, एफ इन्वर्स x लिख दिया, 2x/(1 - x), यही आपका आंसर होगा फॉर ऑल, यानी x अब उसकी डोमेन में से लिया गया है, एफ इन्वर्स की डोमेन वो होगी रियल नंबर -1, यानी यहाँ पे 1 पे डिफाइन ही होगा, तो ये इसकी हमें निकालनी थी विद्यार्थियों। इसके बाद प्रश्न संख्या 7 देखिए, 7 में क्या कहता है विद्यार्थियों, ये 7 में भी कहता है फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर दिया हुआ है, एफ एक्स ये दिया हुआ है, ये शो करना है इन्वर्टिएबल होगा और फिर इसका इन्वर्स भी निकालना है। इन्वर्टिएबल प्रूफ करने के लिए इसे 1 1 और 1 2 प्रूफ करेंगे, यदि दोनों कंडीशन हो जाती है तो इसका इन्वर्स निकलेगा, फिर हम निकालेंगे। देखिए ये हमें इन्वर्स फंक्शन दिया है, 1 1 के लिए हमने यहाँ से दो एलिमेंट लिया, x1 और x2, भी यानी टू एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, रियल मतलब इसकी डोमेन में से लिया है, फिर यहाँ पे मैपिंग लगाया, मैपिंग लगाने पे 3 से 3 कैंसिल, अगले स्टेप में 4 से 4 कैंसिल, ये आ जाता है, इसका मतलब ये 1 1 है। 1 2 के लिए इसकी को डोमेन में से हम कोई एक एलिमेंट लेते हैं, ये लिया, या रेंज में से कह दीजिए जो फंक्शन था उसकी रेंज में से लिया, y इक्वल टू एफ एक्स रखा, ये आ जाएगा, इस पूरे फंक्शन को हमने y में कन्वर्ट कर दिया। अब ये यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख दो आप y की, ये आपका रियल नंबर होगा, रियल नंबर होता है जब ये रियल नंबर में बिलोंग कर जाती है, 1 2 हुआ विद्यार्थियों, या फिर आप ये x की जगह मान रख दो, इक्वल टू y आ गया तो ये 1 2 हो, तो हमने ऐसा ही क्या ये रखा। अब ये फंक्शन क्या कहता था हमें, फंक्शन कह रहा है कि जो भी x होगा उसको 4 से गुणा करके 3 जोड़ना है, तो हमने इसको 4 से गुणा किया और 3 जोड़ दिया, 4 से 4 कैंसिल, अगले स्टेप में 3 से 3 y आ गया, जब इसके इक्वल टू y आ जाता है तो ये 1 2 होता है। एफ इज 1 1 एंड 1 2, तो ये इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए क्या किया विद्यार्थियों, वही सेम काम जो हम 1 2 में करते हैं ना, जो ये x का मान आता है ये आपका एफ इन्वर्स होता है, ये y में है तो हमने यहाँ पे मैपिंग लगाई, इक्वल टू y आ गया, ये इधर जाके इन्वर्स होगा, एफ इन्वर्स y इक्वल टू ये आ गया। अब x में कन्वर्ट करना है तो y की जगह x रख, तो ये इसका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 8 में क्या कहता है विद्यार्थियों, ये आपका फंक्शन दिया हुआ है, पॉजिटिव रियल नंबर इसकी डोमेन होगी,
और 4 से इन्फिनिटी तक जा रहा है ये फंक्शन दिया हुआ है, और शो करना है ये इन्वर्टिबल होगा, एनी वन वन और ऑन टू दोनों प्रूफ करना है, और विद द इनवर्स एफ ऑफ गिवन ये दिया हुआ है, ये भी इसके ऊपर होगा नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे इसके अंदर विद्यार्थियों, ये आपको फंक्शन दिया हुआ है, ये इसकी डोमेन दी हुई थी 0 से इन्फिनिटी, इंजेक्टिव या वन वन एक ही चीज़ होता है, ये हमने माने दो एलिमेंट किसी में से पॉजिटिव रियल नंबर में से, सच दैट इनके ऊपर मैपिंग लगाया, मैपिंग लगाने पर ये आ जाएगा 4 से 4 कैंसिल, ये स्क्वायर दिया है तो इसका मॉडुलस लगा सकते हैं, और ये हमने दोनों क्या लिया था पॉजिटिव रियल नंबर लिया था, तो मॉडुलस का कोई काम नहीं, अपने आप हट जाएगा, ऐसा केस आ जाता है, तो ये आपका वन वन होता है। सर्जेक्टिव या ऑन टू एक ही बात है, एक एलिमेंट लिया इसकी कोडोमेन में से जो आपको क्या दिया हुआ था पॉजिटिव रियल से 4 से इन्फिनिटी तक दिया हुआ था, तो यहाँ से हमने वाई लिया, इसको इक्वल टू एफ एक्स रखा और इस पूरे फंक्शन को हमने वाई में कन्वर्ट कर दिया, ये भी आपका एक्स 0 से बड़ा है तो यहाँ पे आप वाई कुछ भी रख दें, आपका पॉजिटिव रियल नंबर आएगा 4 से बड़ा, क्योंकि हमने यहाँ वाई देखी 4 से बड़ा लिया है, तो ये पॉजिटिव रियल नंबर होगा, तो इसका मतलब ये ऑन टू है, या फिर हमने वाई की जगह ये एक्स की जगह ये रखा यहाँ पे, तो इसका स्क्वायर प्लस 4 था, स्क्वायर से एक आंसर इक्वल टू वाई आ गया, यदि यहाँ पे ये वैल्यू रखने पर इक्वल टू वाई दे दे इसका मतलब ये ऑन टू है, और इसका इन्वर्स निकालना, इन्वर्स निकलेगा विद्यार्थियों अफ इज वन वन एंड ऑन टू ऑफ इन्वर्स एग्जिस्ट, और इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए हम यही केस लेते हैं इक्वल टू वाई वाला, अफ ये इधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, अफ इन्वर्स वाई इक्वल टू ये आ गया, एक्स में रखना है तो वाई की जगह एक्स रख देंगे, ये आपका आंसर होगा। इसके बाद विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 में भी यही कहता है, ये फंक्शन दिया हुआ है पॉजिटिव रियल से -5 से इन्फिनिटी तक, गिवन दैट ये सो दैट ये इन्वर्टिएबल होगा, इन्वर्टिएबल के लिए वन वन और ऑन टू प्रूफ करना है, फिर हमें ये दिखाना है इसके अंदर। तो देखिए विद्यार्थियों हमने क्या किया, ये फंक्शन दिया हुआ है, दो एलिमेंट लिए इसके पॉजिटिव रियल नंबर में से मैपिंग लगाया, मैपिंग ये कहता है एक्स है तो 9x² प्लस 6x-5, यहाँ एक्स वन है तो यहाँ एक्स वन आ जाएगा, एक्स टू है तो यहाँ एक्स टू आ जाएगा, ऐसा ही किया, अगले स्टेप में 5 से 5 कैंसिल, ये आ जाता है आपके पास। अब हमने एक्स वन वाली टर्म तो इधर ले आई जो पहले, ये एक्स वन वाली और ये एक्स टू वाली है, तो यहाँ से हमने एक्स टू वाली टर्म इधर ले आए 9, और ये एक्स वन वाली टर्म इधर चली गई, या इन दोनों को इधर ले आए विद्यार्थियों हम, तो यहाँ से 9 कॉमन लिया ये आ जाएगा, यहाँ से 6 कॉमन लिया ये इक्वल टू 0। अब सीधी सी बात है विद्यार्थियों इसको फिर क्या लिख सकते हैं, एक्स वन एक्स टू प्लस एक्स वन एक्स टू, क्योंकि ये स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है, यहाँ से फिर हमने ये कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हमारा ये रह जाता है इक्वल टू ये, तो ये 0 होगा, ये 0 होगा नहीं, क्योंकि पॉजिटिव रियल नंबर था और पॉजिटिव रियल नंबर का समय वो कभी 0 नहीं होता, ये आ गया, ये आने का मतलब ये हमारा वन वन होगा। ऑन टू के लिए हमने कोई एलिमेंट लिया यहाँ से इक्वल टू एफ एक्स रखा, और ये पूरा फंक्शन हमने वाई में कन्वर्ट कर दिया विद्यार्थियों, ये हमारा आ गया एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक आ गया, तो यहाँ से एक्स का मान निकाला जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता था -b + -b² - 4ac/2a, तो यहाँ से आपका फंक्शन ये कन्वर्ट हो जाता है। हमने यहाँ पर एक्स 0 या 0 से बड़ा लिया है, देयरफॉर इसका मतलब ये तो इम्पॉसिबल होगा क्योंकि माइनस का आ रहा है, 0 या 0 से बड़ा ये प्लस वाली टर्म होगी, प्लस माइनस था तो ये माइनस वाली इम्पॉसिबल दिखा दी, प्लस वाली ले ली। अब हम इक्वल टू 0 करेंगे तो ये आ जाएगा, और ये 1 इधर जाके यानी वाई प्लस 6 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा विद्यार्थियों। इसका मतलब क्या हुआ, अगले स्टेप में देखिएगा आप, स्क्वायर किया तो वाई प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, फिर ये आपका इधर जाके माइनस होगा तो वाई ग्रेटर देन इक्वल टू -5 आ जाएगा विद्यार्थियों, जो कि हमने ये कर रखा है। अब इसकी रेंज रियल नंबर जो फंक्शन था उसकी रेंज क्या आ गई, -5 से इन्फिनिटी दी हुई थी कोडोमेन, अब है वो ऑन टू हो गया यानी ये हमारा कोडोमेन में बिलोंग कर रहा है, ऑन टू हो गया तो एफ इज बोथ वन वन एंड ऑन टू, तो ये इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा विद्यार्थियों, इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए हमने यही रखा एक्स का मान जो आता है वही तो इन्वर्स लेते थे, तो यहाँ पर हमारा वाई इक्वल टू मैपिंग लगाइए यानी जब ये वाई की जगह रखेंगे तो इक्वल टू वाई आएगा, फंक्शन में एक्स की जगह जब ये रखेंगे ना एक्स इक्वल टू दिया हुआ है तो हमारा इक्वल टू वाई मिलेगा, ये इधर के इन्वर्स हो जाएगा,
और ये आंसर होगा विद्यार्थियों, अक्ष की जगह वाई रख दें, ये आपका सॉल्यूशन होता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 10 देखिए, 10 में कहता है ये फंक्शन दिया हुआ है और यहाँ पे शो दैट एफ इज ए यूनिक इन्वर्स, हमें शो करना है कि इसका एक यूनिक इन्वर्स ही होगा। तो हमने मान लिया विद्यार्थियों इसके दो इन्वर्स हैं, वाई बिलोंग टू वाई, क्योंकि फंक्शन हमें एक्स से वाई दिया हुआ था। तो हमने दोनों पे मैपिंग लगाई, एफ ऑफ जी वन वाई इक्वल टू एफ ऑफ जी वाई वन लिख सकते हैं, इक्वल टू वाई आएगा, और जी टू पे भी लिया तो ये वाई आ गया, ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों भी हमने बराबर कर दिया। बराबर किया तो इसको ऐसे और इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, फिर यहाँ से जी वन वाई इक्वल टू जी टू वाई आ जाता है। इसका मतलब ये क्यों लिखा हमने, क्योंकि एफ है वो इन्वर्टिएबल फंक्शन था, दिया हुआ था इसके अंदर, तो एफ है वो वन वन होगा, वन वन होगा तो ये होगा। इसका मतलब ये जब जी वन और जी टू बराबर आ गई, जो हम लेके चले थे दो इन्वर्स अलग अलग, और ये दोनों बराबर है, बराबर का मतलब एक ही चीज़ है, इसका मतलब इन्वर्स ऑफ एफ है वो यूनिक होगा। इसके बाद विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 11 में हमें ये बताया हुआ है, एक रखेंगे ए आएगा, दो रखेंगे तो बी आएगा, और तीन रखेंगे तो सी आएगा। अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग वैल्यू आ रही है, तो ये आपका वन वन भी होगा, और यहाँ पे कोई एलिमेंट खाली नहीं है, सबकी परी इमेज है इसके अंदर, तो ये आपका वन टू भी होगा। तो हमें एक तो ये इन्वर्स फाइंड आउट करना है, और फिर हमें इन्वर्स का इन्वर्स और निकालना है विद्यार्थियों। तो बड़ा आसान है, देखिए ये दिया हुआ था ये बोथ वन वन एंड वन टू, ये हमने राइट किया, सो एफ इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और इन्वर्स एग्जिस्ट क्या करेगा, वन ए था इसको ए वन, ये आपका बी टू, और ये आपका सी थ्री हो जाएगा, ये इन्वर्स आ गया, ये भी आपका वन वन एंड ऑन टू है, तो फिर दोबारा ये इन्वर्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्स का इन्वर्स निकालेंगे तो ये वन ए टू बी और थ्री सी आ जाएगा, जो आपका एफ ही दिया हुआ था, यही हमें प्रूफ करना था। प्रश्न संख्या 12 देखिए, 12 में ये फंक्शन दिया हुआ है, सो दैट ये हमें एफ इन्वर्स ऑफ एफ, हमें ये प्रूफ करना है कि फंक्शन के इन्वर्स का इन्वर्स होता है वो खुद ही होता है। तो प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे विद्यार्थियों, हमने ये लिया बी इन्वर्टिएबल फंक्शन, एफ इज वन वन एंड ऑन टू होगा, देर एग्जिस्ट ए फंक्शन एफ इन्वर्स जो वाई से एक्स एग्जिस्ट करेगा, सच दैट हमने क्या लिया एफ एक्स इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू एफ इन्वर्स वाई फॉर ऑल एक्स, जहाँ पे एक्स है वो एक्स में से होगा और वाई है वो वाई में से होगा। फिर हमने वाई वन और वाई टू दो एलिमेंट ले लिए वाई में से, सच दैट उनके ऊपर मैपिंग लगाया, ये रिजल्ट मिल जाता है, यहाँ से हमारे पास ये आ जाता है, ये आने का मतलब ये वन वन हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आल्सो एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स वाई एग्जिस्ट फॉर सभी के लिए, तो एफ इनवर्स इज ऑन टू हो जाएगा विद्यार्थियों। यानी हमने क्या किया है विद्यार्थियों, यहाँ पे ये कह रहा है कि जो इनवर्स वाई था ना वो भी आपका ऑन टू हो गया, तो एफ इनवर्स इज बोथ वन वन एंड ऑन टू, तो इससे इनवर्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो एफ ऑफ एफ इनवर्स वाई आ जाएगा। यहाँ पे ये लिख देंगे इक्वल टू वाई आ गया, इसका मतलब ये आइडेंटिटी फंक्शन था, एफ इज इनवर्स ऑफ एफ, यानी एफ है वो एफ इनवर्स, एफ ही इनवर्स है एफ इनवर्स का, फंक्शन ही इनवर्स है एफ इनवर्स का, तो एफ इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स विच इज प्रूफ, ये हमें प्रूफ करना था। इस तरह से ये प्रूफ होता है विद्यार्थियों। और इसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 13 और 14 में ये प्रूफ करना है विद्यार्थियों, एफ ऑफ एफ इनवर्स, ये कहता है कि जो भी दिया है उसको तीन में से घटाओ, तीन में से घटा के इसका क्यूब करो, फिर उसकी पावर 1/3 करो। तो हम देखिए क्या करेंगे, ये दिया हुआ है ये निकालना है, तो यहाँ पर इसकी जगह हमने ये रख दिया। अब ये क्या कहता है, तीन में से इसके क्यूब को घटाओ, तो तीन में से इसके क्यूब को घटाया, तीन में से इसके क्यूब को घटाया, फिर इसका क्यूब क्या, इसके क्यूब को ही तो घटाया हमने, ये क्यूब हो गया, फिर उसकी पावर 1/3 की, तो इसकी अंदर क्या मिला विद्यार्थियों हमें, देखिए इस तीन से ये तीन कट जाएगा, ये आ जाएगा पावर 1/3 थी, फिर यहाँ पर कैंसिल करेंगे तीन से तीन, फिर ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ से यहाँ कैंसिल किया ये आ गया, यानी आपका ऑप्शन सी होगा विद्यार्थियों। अब हमें इसका इन्वर्स निकालना है, इन्वर्स निकालने के लिए विद्यार्थियों इक्वल टू वाई रख के पूरा फंक्शन वाई में कन्वर्ट करते हैं, वो इन्वर्स होता है, तो ये रखा हमने क्रॉस मल्टीप्लाई की, ये आ जाएगा, यहाँ से हमने 4y यहीं रखा और ये इधर ले जाके x कॉमन लिया, ये इसके डिवाइड में आ गया, ये आपका एफ इन्वर्स वाई हो गया।
ऑप्शन वाई में है तो वाई लिख देंगे, एक्स में है तो एक्स लिख देंगे। इसी के साथ विद्यार्थियों आपकी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होती है, जो आपके नोटबुक में पूरा करेंगे। धन्यवाद।